मैं डॉक्टर पूनम पुनिया आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्किन प्रॉब्लम के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। झाइया, मेलेज्मा, ब्लैक पिगमेंटेशन, जी हाँ, लेडीज में होने वाली यह एक बहुत ही कॉमन समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह मेल्स में नहीं होता। 10% मेल्स के अंदर भी झाइयों की समस्या देखी जाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लैक पिगमेंटेशन, ये मेलेज्मा, झाइया क्यों होती है, क्या हम आसान तरीके हैं जिससे हम इससे बच सकते हैं। आज का पूरा वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो आप जरूर समझ जाएंगे और आप इससे बच भी पाएंगे। सबसे पहले यह जानते हैं कि यह ब्लैक पिगमेंटेशन क्यों होती है। हमारे शरीर के अंदर मेलेनोसाइट नामक सेल्स होती हैं जो मेलेनिन पिगमेंट बनाते हैं। इस मेलेनिन के कारण ही हमारा कॉम्प्लेक्शन होता है। जिन लोगों के अंदर मेलेनिन ज़्यादा होता है उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, और जिनका अंदर मेलेनिन पिगमेंट कम होता है उनकी स्किन फेयर होती है, गोरा ओपन होता है उनकी स्किन में, और उनके अंदर जो है उसी हिसाब से कलरिंग होती है स्किन की। तो कभी कभी जो ये मेलेनोसाइट्स होते हैं ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। देखा जाता है स्पेशली जो थोड़ा जिनका डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है जिन लोगों का, उनमें मेलेनोसाइट ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और उससे चेहरे पर कालापन या झाइयों की समस्या आ जाती है। मुख्यतः यह नाक के ऊपर, चीक्स के ऊपर, फोरहेड के ऊपर और लिप्स वाले एरिया में ज़्यादा आती है। तो क्या ऐसे कारण हैं जिनसे मेलेनोसाइट्स एक्टिवेट होके मेलेनिन ज़्यादा बनाने लगते हैं और चेहरे पर कालापन, झाइयों की समस्या आ जाती है। सबसे पहला कारण है सनलाइट, धूप। अगर हम धूप में ज़्यादा काम करते हैं तो ये मेलेनोसाइट्स ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। सूरज में की किरणों में मौजूद यूवी रेज के कारण इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसके कारण झाइयों की समस्या आनी शुरू हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है हार्मोनल चेंजेस। जी हाँ, हार्मोनल चेंजेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब भी हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अगर लेडीज में मेंसेस ठीक से नहीं आ रहे या जब लेडीज में मेंसेस बंद होने वाले होते हैं 40-42 साल की उम्र में, उनमें भी देखा जाता है झाइयों की समस्या आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी भी एक ऐसा फैक्टर है। प्रेगनेंसी में भी शरीर में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उस समय भी झाइयों की समस्या आनी शुरू हो जाती है। और अगर आप ज़्यादा दवाएं यूज कर रहे हैं, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ज़्यादा ले रहे हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में भी यह समस्या आ जाती है। आयुर्वेद में बताया है वात और पित्त दोष के बढ़ने से ज़्यादा झाइयाँ आती हैं। तो अगर आप ज़्यादा गर्म चीज़ें, तली हुई चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं तो भी यह समस्या आती है। तो हम कैसे बच सकते हैं इन झाइयों से बचने के, जो मेन टिप्स हैं वो आज हम जानते हैं। सबसे पहले सनलाइट से बचाव करना है। जी हाँ, जब भी आप धूप में जाएं चेहरा ढक के जाएं ताकि कम से कम यूवी रेज आपकी स्किन तक पहुंच सके। हो सके तो दोपहर की धूप 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक की धूप आप अवॉइड करें। अगर फिर भी जाना पड़े तो आप चेहरा ढक कर जाएं, या फिर आप जैसे एलोवेरा है, जेल है, वो आप लगा कर जाएं। वो नेचुरल सनस्क्रीन का काम करेगी और आपके जो चेहरे की पिगमेंटेशन है वो भी कम हो पाए। जब भी आप जाते हैं, अपना प्रॉपर हाइड्रेटेड होना चाहिए आपका शरीर। पानी खूब पिए, दिन में भी पानी आप ज़्यादा पिए, बाहर जाते हैं उस समय तो पीना ही है। पानी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, कब्ज ना होने दें। अगर कब्ज हो जाती है बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, उनमें से यह है झाइयों की समस्या भी एक है। त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं आपका कब्ज ना होने पाए, या खाने में आप एलोवेरा को छील कर अंदर का गुद्दा निकाल कर उसका वो आप खाएं, उससे पेट भी अच्छा रहेगा और आपकी स्किन पर भी ग्लो अच्छा आएगा। तो आप एलोवेरा का या फिर त्रिफला का खाने में इस्तेमाल करें। भरपूर नींद लें। जी हाँ, अगर हम नींद ठीक से लेते हैं, हमारा बॉडी का बैलेंस ठीक रहता है, हमारा मेंटल लेवल ठीक रहता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हमारी बॉडी में नहीं आ पाती, तो भरपूर टाइमली नींद लें। घर का बना सादा हेल्दी फूड लें। हेल्दी में भी हमें जैसे विटामिन सी और विटामिन ए के सोर्सेज हैं वो ज़्यादा लेने हैं। नींबू है, आंवला है, मौसमी है, कीनू है, गाजर है, शकरकंदी है, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे आपकी झाइयों की समस्या जल्द ठीक हो जाएगी।
आपको खाने के अंदर के भी जो है धनिया और पुदीने का जो पुदीने की जैसे चटनी बनाकर आप ले सकते हैं, धनिया या पुदीने का पानी ले सकते हैं। धनिया और पुदीना बहुत अच्छे पित्त शामक होते हैं, जिससे कि आपको जो पित्त की व्याधियां होती हैं, स्किन की जो डिजीज होती हैं, वो जल्दी क्योर होती हैं। झाइयों की समस्या से अगर आप धनिया और पुदीने की चटनी का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी आपको राहत मिलती है। आप त्रिफला का भी फेस के धोने में दिन में 2-3 बार आप फेस धोएं, आप त्रिफला के पानी का यूज करें, स्किन भी आपकी हेल्दी रहेगी। रात को त्रिफला को भिगो दो, सुबह छानकर उस पानी से चेहरा धोया जाए, काफ़ी अच्छा रहे। उसके बाद आपको फेस पैक्स लगाने हैं। सबसे पहले तो आप टमाटर का रस, आलू का रस, नींबू का रस तीनों बराबर मात्रा में लेके साफ रुई से आप त्रिफला के पानी से धोने के बाद अगर यह रस अप्लाई करते हो, आपकी स्किन पे ग्लो भी आता है और आपकी स्किन हेल्दी भी बनती है। उसके बाद एक फेस पैक बताती हूँ, हफ्ते में 3 से 4 बार आप उसे लगाएं, उससे आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। इस फेस पैक के अंदर हम बेसन, नीम की सूखी हुई पत्तियाँ, हल्दी और नींबू का रस ये मिलाकर आप फेस पैक तैयार कर सकते हैं और इसको चेहरे पर लगाएं। कुछ लोगों को बेसन सूट नहीं करता, ऐसी हालत में वो लोग मसूर की दाल रात को पानी में भिगो दें, सुबह उसको ग्राइंड करके उसमें नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाते हैं, झाइयों की समस्या जल्दी चली जाती है। प्रतिदिन चेहरा साफ कर रात को सोते समय एरंड तेल या कैस्टर ऑयल जिसे बोलते हैं वो आप लगा सकते हैं, या फिर आप कुमकुम आदि तेल, इन दोनों तेलों में से एरंड तेल या कुमकुम आदि तेल में से किसी एक तेल का इस्तेमाल करने से चेहरे की झाइयां जल्दी चली जाती हैं। आप हेल्दी खाना खाएं, खूब योगा प्राणायाम एक्सरसाइज करें। मानसिक स्वास्थ्य मेंटल स्ट्रेस भी झाइयों का एक कारण होता है, ज़्यादा गुस्सा आना, ज़्यादा एग्रेवेट होना, तो आपका मन और शरीर योगा प्राणायाम से शांत रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। अगर किसी की आज के टॉपिक पर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिनको वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारी आने वाली हेल्थ अपडेट्स और आयुर्वेद संबंधी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।